हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज हम कैलकुलेशन से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं जो कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स तीनों में आपको काम आएगा। अब चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, उन दोनों में आपको मैथमेटिकल ही चीज़ें मिलती हैं, तो मैथ्स में भी काम करेगा। तो यहाँ पर जो हम वीडियो आपके लिए आए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कमज़ोर बच्चे हैं, मतलब आपको अगर नहीं आता है कैलकुलेशन, तो ऐसे नहीं है, मैं यहाँ पर कैलकुलेशन में आज आपको फ्रैक्शन समझाऊंगा। क्या समझाऊंगा? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन जो होगा वो एकदम बेसिक से होगा, बेसिक से लेकर थोड़ा हार्ड लेवल तक भी होगा। मतलब यहाँ पर हम छोटी छोटी चीज़ों को समझाएंगे जो आपको कोई भी वीडियो में नहीं समझाया जाएगा। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर वीडियो से आपको लाभ मिले तो ज़रूर कमेंट करना कि सर ऐसा वीडियो नहीं मिला, ऐसे वीडियो हम ढूंढ रहे थे। जो भी आपसे कमेंट बने वो करना, एकदम छोटी छोटी चीज़ों को समझाएंगे, ठीक है? फ्रैक्शन की तो वीडियो पे स्टे रहिए। देखिए यहाँ पर हम लिखे भी हैं स्क्रीन पर, अगर आप देख रहे होंगे साइड में तो आप स्क्रीन पर देखते रहिए कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स के लिए कैलकुलेशन ट्रिक्स बेसिक, ये है फ्रैक्शन। क्या है फ्रैक्शन? तो फ्रैक्शन देखे होंगे, फ्रैक्शन मतलब होता है भिन्न। क्या होता है? भिन्न। तो हम इसको हम इसका मतलब हम भिन्न लिख सकते हैं, ठीक है? इसका मतलब हम भिन्न लिख सकते हैं। तो भिन्न जो होता है आपका, आपका एक दो प्रकार का होता है। क्या होता है? एक दो प्रकार का होता है, ठीक है? तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे भिन्न में आपका यहाँ पर कई चीज़ें मिलने वाली हैं। जैसे कि देखिए, भिन्न में आपको एक नॉर्मल भिन्न होता है। नॉर्मल भिन्न का मतलब आप समझ सकते हैं साधारण भिन्न, सिंपल भिन्न। सिंपल फ्रैक्शन जो होता है वो आपका इस तरीके से होता है, यानी उसमें क्या होते हैं, उसमें आपको मिलते हैं जैसे कि आपका यहाँ पर हो गया 2/3 कामा 4/5 कामा 5/7 कॉमा 18/3/2। मतलब आपको यहाँ पर जो इस तरीके से देखिए गलत फ्रैक्शन लिखे हैं, फिर भी आपको जो तरीका है समझने का, देखिए ये फ्रैक्शन जो है ना आपका नॉर्मल फ्रैक्शन, सिंपल फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। यहाँ तक आपका सिंपल फ्रैक्शन हो गया, और ये जो हो गया इसमें दोनों फ्रैक्शन हमारे मिक्स्ड हैं, इसलिए मिक्स्ड फ्रैक्शन, क्योंकि इसमें आगे लिखा हुआ है। तो ये प्रकार, मतलब इन सब फ्रैक्शन से हमें कुछ नहीं। अगर आपको इस तरीके से फ्रैक्शन मिलता है, मतलब इस तरीके से जैसे आपको यहाँ पर लिखा गया है कि आपका 5/3/7 ये लिखा है, 5/3/7 लिखा, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हमें साधारण भिन्न में बदलना पड़ेगा, मिश्र भिन्न। ये आपका मिश्रित भिन्न है, इसको हमें साधारण भिन्न में बदलना पड़ेगा, जो कि आपको पता है कि इसमें क्या हो रहना है। इसमें आपका सबसे पहला काम है कि ये आपका जैसे कि इसका इसका गुणा करेंगे, इसका इसका क्या करेंगे, इन दोनों का हम गुणा करेंगे और इसको जो है हम ऐड कर देंगे, इसको हम जोड़ लेंगे और इसका इसका क्या करेंगे, गुणा करेंगे। जैसे 5 नीचे हमेशा ही रहना ध्यान है, 7/5 35 और 35/38, मतलब हमारा 38/7 हो गया। क्या हो गया? 38/7 हो गया, यानी 7/5 35 3/38। तो इस तरीके से पहले इस फ्रैक्शन में, मतलब हमें साधारण भिन्न में, साधारण भिन्न बदल देंगे तो हम लगाएंगे सवाल। कभी भी आपको फ्रैक्शन आ रहा है मिश्रित वाला, तो आप इसको इस तरीके से समझना कि आपको उसी भिन्न में पहले कन्वर्ट कर लेना है, तब जाके लगाना है, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो ये हो गया आपका यहाँ तक फ्रैक्शन की छोटी सी बेसिक जानकारी कि आपको किस तरीके से फ्रैक्शन चेंज करना। अब फ्रैक्शन जो है ना आपका और तरीके का आ जाता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर तो मान लीजिए यहाँ पर तो लिखा हूँ केवल अभी एक फ्रैक्शन। अभी आपका पता है कि और प्रकार का फ्रैक्शन होते हैं, जो कि आपको पता है यहाँ पर, अभी हम इसको हम थोड़ा ऊपर कर दें, ठीक है? यहाँ तक थोड़ा ऊपर कर दें। अब यहाँ पर देखिए मैं बता रहा हूँ, जैसे कि आपको अगला फ्रैक्शन होता है मान लीजिए यहाँ पर, जिसमें कि आपका ये तो अंक गणती में सबसे पहला जो अर्थमेटिक होता है, यानी अंक गणित वाले जो होते हैं, अंक गणित ये भिन्न, अंक गणती भिन्न, जो अंक गणती भिन्न होते हैं, मतलब जो भी हमने बताया ये अंक गणती भिन्न थे, इसमें भी अंक गणती भिन्न में आपका आ जाता है अगला आपका दशमलव भिन्न। क्या आ जाता है? दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न, ठीक है? देखिए वीडियो में हम थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे, अगर इस वीडियो में थोड़ा लंबा वीडियो बन जाएगा तो हम अगली वीडियो में खींचेंगे, पर आपको कमेंट कर देना है। यहाँ पर दशमलव भिन्न में क्या होता है कंडीशन, इसको पहले समझिए। दशमलव भिन्न में ये होता है
कि जैसे कि आपका यहाँ पर है 1/3 है और इसको हम काट रहे हैं, और काटने के बाद जो दशमलव में आंसर हमें मिलेगा वो हमारा मान लीजिए इसको 3.0333 ऐसे डाट डंडा, ये हमारा दशमलव भिन्न हो गया। लेकिन ये दशमलव भिन्न को हम इस रूप में जानते हैं, इसका नाम जानते हैं, इसको हम ना समझ के हम कह रहे हैं दशमलव आपका भिन्न में ही आ जाए, मतलब जो फ्रैक्शन लिखे हैं जैसे यहाँ पर 2.5/7 आ गया। अब देखिए इसमें भी दशमलव है, हो सकता है आपका इस तरीके से मिल गया 1.6/3.5, दोनों में दशमलव मिल गया, या फिर आपका मिल सकता है 27/9.1। अब बताइए नीचे इसमें दशमलव आ गया, तो ये हमें समझना है कि दशमलव कहाँ पर है, कैसे है, बाकी दशमलव भिन्न ये है लेकिन हमारा जो है दशमलव कहाँ पर है, इस तरीके के फ्रैक्शन आ जाएंगे, फ्रैक्शन का तरीका से। अब जो आता है अगला आपका फ्रैक्शन जो मिलेगा आपका, वो मिलेगा आपका, देखिए मैं बताता हूँ, और ऊपर करने के बाद अगला जो फ्रैक्शन आएगा वो आएगा आपका, जैसे कि मान लीजिए आपका बीजगणितीय भिन्न, क्या बीजगणितीय, देखिए अंक गणितीय हो गया, बीजगणितीय भिन्न, बीजगणितीय भिन्न ये कैसे होता है बीजगणितीय भिन्न में, कहने का मतलब आपने देखा होगा कभी कभी लिखा रहता है x/y, क्या लिख उठा था x/y, या फिर आपका 2x/3 लिख उठा, या फिर आपका 8x/9y लिख उठा, या फिर आपका x+2/5-y, कुछ इस तरीके से, मतलब इस तरीके तमाम जो आपके फ्रैक्शन होते हैं ये आपका बीजगणितीय भिन्न है। बीजगणितीय भिन्न को हम अलग तरीके से समझेंगे अलग वीडियो में, हम यहाँ पर भिन्नों का जो हम रूप था जितने प्रकार का वो सभी हमने समझा दिया कि आखिर कितने भिन्न होने हैं। अब सबसे पहले हम चलते हैं अंक गणितीय भिन्न पर, चर्चा करते हैं सबसे पहले हम अंक गणितीय भिन्न पर, ठीक है। तो अंक गणितीय भिन्न को हम डिटेल में यहाँ पर समझाने वाले हैं, आप देखते रहिएगा। इसका PDF अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर देना, PDF भी आपको मिल जाएगा। तो हम सबसे पहले चलते हैं किस पर, अंक गणितीय भिन्न पर, किस पर, अंक गणितीय भिन्न। अब अंक गणितीय भिन्न में जो होता है इसको हमें कैसे लगाना है, इसमें हमने जो बोला कि जैसे सबसे पहले आ गया मान लीजिए 3/5 और एक आ गया आपका 2/5, ये आ गया। अब इसमें जोड़ भी आ सकता है घटाना भी आ सकता है, मान लीजिए ये भिन्न दो भिन्न आ गए, अगर जोड़ लगा है तो इसका मतलब जोड़ना है और घटाना लगा तो इसका मतलब घटाना है, पर हम इसको कैसे हल करेंगे ये चीज हम देखते हैं। इसको हल करने का तरीका आपका ये है कि इसमें हम सबसे पहला काम क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर मान लीजिए आपको मिल जाए कुछ इस तरीके से कि इसको 3/5 को और ये 2/5 को आप ऐड करिए। तो हमें जो रूल कहता है, पहला रूल ये है कि हम हमेशा सबसे पहला काम क्या करेंगे, हर पे जाएंगे, किस पे जाएंगे, हर हर देखेंगे कि हमारा ये बराबर है यानी कि समान है या असमान है, या असमान है मतलब समान है या असमान है, ठीक है। ये हमें क्लियर करना है कि हमारा जो हर है वो समान है कि असमान है। तो अगर समान है मतलब इस कंडीशन, देखिए इसमें हर जो है, हर को बोलते हैं नीचे का जो आपका पोर्शन, नीचे को हर, और इंग्लिश में इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। डिनोमिनेटर में आपका देखिए यहाँ पर 5 5 है, मतलब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जब हर बराबर है तो आप उसी संख्या को नीचे लिख सकते हैं, उस संख्या को आप नीचे लिख सकते हैं, चाहे आप उसको पहले लिख दें या बाद में लिख दें, बात एक ही है। और जो ऊपर लिखा गया हो उसको आप क्या करिए, प्लस माइनस में लिख दीजिए, जैसे भी हो, प्लस में है तो प्लस करिए, यानी 5/5 आ गया। अगर यह संयोग से माइनस होता है यहाँ पर तो आपका 3 में 2 जाता, 1 आता, मतलब 1/5 आता, बस हमारा ये आंसर हो जाता। मतलब हर जो बराबर होता है उसमें कोई कठिनाई होती, जो भी चिन्ह होता है उसी को हम वही कर देते हैं, यानी कि जोड़ घटाना में जो भी चिन्ह हो वही कर देंगे। तो ये चर्चा हो गई हमारी, जब भिन्न के हर बराबर रहेंगे तो। अगर बराबर नहीं रहते, मान लीजिए इस तरीके से हो गया कि आपका यहाँ पर 7 पॉइंट इस तरीके से आ गया, इस तरीके से ये भिन्न आ गया मान लीजिए, तब हम कैसे लगाएंगे, तब आपको देखिए किस तरीके से लगाना है। आपका दो तरीका है, एक LCM विधि है, क्या है, एक LCM विधि है, दूसरा है हर को बराबर करके लगाने का, तीसरा है आपका कि इसमें कभी कभी तिर्यक गुणा भी लगा लेते हैं बच्चे, तीन विधि बता रहे हैं। फर्स्ट विधि, सबसे फर्स्ट विधि,
ये है तिर्यक गुड़, तिर्यक गुड़ा, तिर्यक गुड़ा, ये भी देखते हैं इसमें क्या होता है कि 2/5 - 5/3, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम इसमें गुणा करेंगे और इसको हम इसमें गुणा करेंगे, तो इसका मतलब 3 × 2 = 6 यहाँ पर हो जाएगा और 5 × 5 = 25 यहाँ पर हो जाएगा। और ये नीचे वाला बोल रहा है कि चलो अब दोनों दोनों को हम आपस में गुणा कर लिए, मतलब 5 और 3 का गुणा होगा, 5 और 3 का गुणा होगा। इस तरीके से 25 में अगर 6 जाएगा तो इसका मतलब आपका 25 में से 5 तो गया ही, एक बचा हुआ 19, कितना आ जाएगा 19। कुछ अलग तरीके से आप जोड़ा घटाना करिएगा, कभी कोई ज़्यादा उसमें वो नहीं है। तो यहाँ पर 5 × 3 = 15 हो गया, कितना हो गया 5 × 3। अब इसमें -25 में बचा तो माइनस लगा दीजिए, ये इस तरीके से हमारा एक आंसर तैयार हो जाएगा, 19 - 19/15। ठीक है, तो ये तिर्यक गुणा का हो गया, मतलब तिर्यक गुणक में आपको इसको ले जाके इसमें गुणा करना है, जो है लिखना है, खुद यहाँ पर भी रहना है। यहाँ पर 5 का हम इसमें गुणा किए जो भी आया, और उसके बाद जो भी यहाँ पर था उसका हम वहाँ पर रहने भी देंगे। अब यहाँ पर हम ये तिर्यक गुणा कर, फिर जो ये दोनों नीचे नीचे, मतलब इधर तिरछा, तिरछा के बाद नीचे नीचे, बाकी जो है आप समझ सकते। ठीक है, तिर्यक गुणा के बाद हम चलते हैं अगला आपका क्या 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 होगा। अगला आपका जो है तिर्यक गुणा के बाद आपका होता है हर समान करके, क्या होता है हर समान करके। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं, वो होता है हर समान करके, हर समान करके इसको हमें लगाना है। इसमें हमें क्या हम क्या करना है कि हर समान करना है, मतलब आपका अगर यहाँ पर 1/5 था, -2 यहाँ पर 3 है, अब इसको हमें लगाना है, तो इसको हम कैसे लगाएंगे, पहले हर समान करने का, हर समान करने का मतलब 3 और 5 को हम कब बराबर, मतलब बराबर करेंगे। तो कभी कभी क्या होता है कि उसको हम बराबर करने के लिए टेबल तो पढ़ते हैं, ना टेबल पढ़ता है, नहीं समझ में कोई बराबर, तो आप ये काम भी कर, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, इसका इसमें गुणा कर दीजिए, ऑटोमेटिक में आपका बराबर भी हो जाता है आगे चल के। हम 5 और 3 का भी हम गुणा मतलब इस तरीके से इसमें कर लेते हैं, लेकिन अब इसमें हमें जो है, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पर 5 को हम सोचते हैं 5 और 3 में हमारा क्या आएगा, तो 15 आएगा, तो 5 को बनाने के लिए आपको इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा, और ये 3 को बनाने के लिए इसमें 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा इस तरीके से था, तो हर बराबर हो जाता, मतलब हमारा इस तरीके से हो जाता, तो 3 × 5 = 15 -2/ यहाँ पर 15। अब ये हो गया सेम पहले वाली सवाल की तरह, मतलब 15 का 15 यहाँ पर रह गया, 1 - 2 यहाँ पर रह गया, इसको हम घटाएंगे, 2 में से 1 गया, 1 माइनस में वो भी, और अपान में आपका 15, तो ये हो गया आपका। ये कौन सा था, ये था हर को समान करके, मतलब हर को हम क्या करेंगे समान करेंगे। अगला जो विधि है वो होता है आपका, उसको बोलते हैं क्या एलसीएम विधि, मतलब लासा विधि। तो लासा विधि को हम यहाँ पर समझाते हैं, स्क्रीन पर देखिएगा, जो अगली विधि है वो है आपका लासा विधि। ठीक है, यानी कि एल सी एम विधि, एल सी एम विधि, यानी कि आप बोलते हैं इसको हम लासा विधि, क्या बोल देंगे लासा विधि। ठीक है, तो लासा विधि में आपका कोई कुछ भी नहीं करना, लासा निकालना आना चाहिए, यानी कि एल सी एम निकालने आना चाहिए। अब हम चलते हैं एल सी एम वाली विधि में क्या देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर 1/4 है और -5/7 है, तो हमें इसको लगाना है, तब काम क्या करना होगा, तब आपका काम ये होगा कि यहाँ पर हम क्या करेंगे लासा निकालेंगे 4 और 7 का, 4 और 7 का अगर हम यहाँ पर लासा निकालते हैं, 4 और 7 का, तो इसको हम किस तरीके निकालते हैं, 2 से काटते हैं, 2 × 4 और 7 ऐसे करेंगे, फिर 2 से काटते हैं, तो 2 × 1 = 2, फिर इसको ऐसे काटते हैं। अब यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 7 है, तो ये आपका 7 से 1, क्योंकि 1 ये हो गया है, 1 ये हो गया, तो आपका 2 × 2 × 7, मतलब 2 × 2 = 4, 4 × 7 = 28, इस तरीके से आपका 28 हो गया। तो देखिए इसमें क्या है कि आपका कैसे एलसीएम निकलेगा, आप निकालना है, तो आप क्या करिए, जितनी जगह ये लिए, यहाँ से यहाँ तक जगह लिए, इतना आपको खींच करके सबसे पहला काम आपको लासा ले देना। अब काम क्या करना होता है, अब प्रत्येक मतलब जैसे इसका इसका लासा लिए हैं, इसको आप इसमें देखिए कितनी बार लासा, मतलब कितना बार बना हुआ है, जैसे हम 4 से पढ़ते हैं, 4 × 7 = 28, 7 बार गया, और 7 से पढ़ते हैं, 7 × 28 ये पढ़ता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अगर यहाँ पर 4 बार यहाँ पर गुणा हुआ था,
तो 4 बार उसके अंश में भी गुणा करिए। अगर इसमें 7 बार गुणा था, 7 बार उसके अंश में भी गुणा करिए। अब यहाँ पर यही काम है कि इसको हमें बनाना है 28। 28 तो 4 का पहाड़ा जाएगा 7 बार, तो 7 बार तब 28 बनेगा। तो इसको ना दे करके इसको दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपका जैसे कि 4 7 28, तो यहाँ पर 7 आपने इसमें दिया था तभी 28 हुआ। तो आप 7 इसमें भी दे दीजिए, इसमें भी 7 दे दीजिए, तो 1 7 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 7 7। फिर माइनस कीजिए, 7 हमारा 28 कब बनेगा? 4 बार। 5 को हम 4 बार गुणा कर देंगे तो 5 चौका 20, ये हो जाएगा। अब हमारा देखिए हर बराबर वाली कंडीशन हो जाती है। अभी इसको हमारे बराबर करने के लिए इस तरीके से करते, यानी कि इसमें हम 4 या 28 होता तो 4 7 28 माइनस ये 5 7 35, ज़्यादा होता 7 चौका 28। ये देखिए हर बराबर हो गया। पहले इस तरीके से करते फिर इस तरीके से करते, तो मतलब ये है हमारा वही एलसीएम विधि है कि लासा लेकर के ही लगाना है। ठीक है, तो अब ये लासा विधि क्या होता है, थोड़ा ठीक लेवल की होती है। लासा वाला अगर आप भिन्न लगा लेते हैं तो बहुत ही फायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो इतना था आज के वीडियो में कि मतलब हम यहाँ पर पहले फ्रैक्शन की चर्चा की, और पहले फ्रैक्शन में जो भी एकदम बेसिक चीज़ें थी वो हमने चीज़ें यहाँ पर बताने को ट्राई किया, कोशिश किया कि वो जल्द से जल्द लगाने की ट्राई करें। जो बच्चे यहाँ पर देखें इस वीडियो को, वो अच्छे तरीके से लगाने को फुल ट्राई करें। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं होमवर्क दे देता हूँ, आप देखिएगा। ठीक है, होमवर्क देता हूँ, चलिए यहाँ पर होमवर्क दे देता हूँ। होमवर्क में क्या है कि आपको एच डब्ल्यू में क्या काम करना है। सबसे पहला काम ये करना है कि आपको यहाँ पर भिन्न, जैसे कि आपका यहाँ पर 7 आपका प्लस माइनस दोनों लगा के लगाना सवाल, ये आपका पहले इसको आप सवाल एक हल करिए। फिर उसके बाद यहाँ पर है आपका इस तरीके से, यहाँ पर 14 है, कितना है 14। उसके बाद ये, उसके बाद आपका यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर 16 है। अब यहाँ पर जो चीज़ें हैं मतलब ये हमारा, इनको हमें जोड़ना है और घटाना है दोनों को द्वारा करके पास देखना है। तो ये था इसमें का वीडियो, और इसकी कैलकुलेशन की आपका पहला पार्ट लेकर के आया था। मतलब इसमें हमने छोटी सी चीज़ें बताई, इसका छोटा छोटा पार्ट जो भी आगे आगे हर एक सवालों का पार्ट होगा वो आपको मिल जाएगा, अगली बार आपको बहुत जल्दी मिलेगा। तो अगली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, उसमें बेल आइकन भी प्रेस करिए। वो नाम है मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल, जिसमें मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से वीडियो डालते रहते हैं, साथ ही यूट्यूब टिप्स और ट्रिक्स भी देते रहते हैं। ओके, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए।